सारे भगवानों के लिए हमें भगवान के पास जाना पड़ता है, मगर ये कैसे भगवान है जो हम जैसे मिडिल ऑर्डर या गरीबियों के लिए खुद बाहर आते हैं? सर पहली बार आ रहे हैं, एक्चुअली प्लान तो नहीं था, बट हमारे पड़ोसी थे, उन्होंने बोला टिकट करा दी और हम मतलब भगवान के दर्शन आना था तो आ गए। मतलब पहली बार आप भगवान जगन्नाथ जी को देख रहे हैं? हाँ जी हाँ जी। तो आप हमेशा देखे होंगे कि भक्त मंदिर को द्वार जाता है भगवान का दर्शन करने के लिए। हाँ जी हाँ जी। मगर साक्षात भगवान आज भक्तों को दर्शन करने के लिए वो बाहर आए, उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? बिल्कुल जी, यही तो बात सबसे बड़ी थी कि जो मोदी जी ने ये बात बोली थी कि सारे भगवानों के लिए हमें भगवान के पास जाना पड़ता है, मगर ये कैसे भगवान है जो हम जैसे मिडिल ऑर्डर या गरीबियों के लिए खुद बाहर आते हैं। अच्छा। और ये देखकर भी हमें मतलब आज इतना प्रसन्नता हो रही है कि बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। अच्छा, आपके साथ एक छोटी सी बच्ची है, ये कौन है? ये मेरी भांजी है। अच्छा, ये भांजी है? हाँ जी हाँ जी। ये एक्चुअली बोल नहीं सकती? ये बोल सकती है। हाँ जी हाँ जी। पढ़ाई कर रही है? नहीं, पढ़ाई नहीं कर पा रही, स्कूल वालों ने थोड़ा सा बोला कि चलने फिरने में असमर्थ है, तो इसलिए पढ़ाई एजुकेशन हुई। मंदिर के प्रशासन के हिसाब से आपकी बेटी जाके भगवान का दर्शन करती? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सुविधा बहुत बढ़िया थी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल अलग से इनको भेजा गया था, तो बीच में जो स्टेयर केस था, जो सीढ़ियां थी, उनको उन्होंने बोला कि आप व्हील चेयर खड़ी करके आप इनको आराम से ले जाओ, फिर इनको अच्छे से अंदर से दर्शन हो गए। ओके, हाँ जी। बच्चे को थोड़ा सा हम पूछ लेते हैं, बच्चे आपका नाम क्या है? सिमरन। अच्छा, कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है। आप भगवान का दर्शन किए? हाँ। अच्छा, क्या मांगे भगवान को? क्या मेरे को ठीक कर दो? ठीक कर दो बोलते हैं। अच्छा, ये आपके सारे के सारे परिवार है? हाँ जी, ये मेरी भांजी है, ये भी मेरी भांजी है, ये मेरा लड़का है, वो मेरी वाइफ है, वो मेरा भतीजा है, वो मेरे जीजा जी है, वो जीजा जी की जो है। तो आपके सारे परिवार आए? हाँ जी, हम 20-21 लोग आए हैं। कैसे आए हैं? हम ट्रेन से आए हैं। ट्रेन से आए? हाँ जी। तो आज पहली बार आप भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन किए, कैसा लगा? सर बहुत प्रसन्नता हुई हम सबको। ये जो अनुभूति है क्या बोलना चाहेंगे? बता नहीं सकते सर, शब्दों में नहीं बयां कर सकते हम। हमने मतलब इतना अच्छा जो यहाँ का प्रशासन है और जितनी सुविधा है यहाँ पर, बहुत अच्छी सुविधा लगी हमें। हम और जगह भी मंदिर में गए हैं, मगर यहाँ पे हमें बहुत अच्छा सुविधा लगी हर चीज का, और यहाँ के जो लोग हैं बहुत अच्छा। बच्ची आपका नाम क्या है? मेरा नाम अमीशा है। अच्छा, कितनी क्लास में पढ़ती हूँ? मैं मास्टर्स कर रही हूँ अभी। मास्टर्स कर रही हूँ जी। अच्छा, कैसा लगा भगवान का दर्शन करते हुए? बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे हम लोग दर्शन भी हुए हमारे, हमने प्रसाद भी खाया, हमें प्रसाद भी मिला, और बहुत अच्छा लगा तीनों भगवान को एक साथ देख के, तो बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा, बच्चों की बात हमेशा भगवान सुनते हैं, तो आपने भगवान को क्या मांगा? मांगी तो बहुत सारी चीजें, अब आपको बता देंगे तो भगवान पूरी थोड़ी करेंगे। अच्छा, बताएंगे नहीं हम। दादी जी आपका नाम क्या है? राममूर्ती। अच्छा, आप कहाँ से हैं? हम मऊ जिला से। अच्छा, आज आपने भगवान का दर्शन कर लिए? भगवान का दर्शन कर, कैसा लगा? बढ़िया लगा। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे दर्शन? मैंने कहा कि ये भगवान हमारे को सब कुछ दे रखे हो, बस हमारी शरीर के दो, ये हमारे को चलते फिरते मिले, चलो बस हम यही सब कुछ भगवान हमारे को दे रहा है। अच्छा, यहाँ पे और एक दीदी है, उनको पूछ लेते हैं। दीदी जी कैसा लगा, आप पूरी आए हैं पहली बार भगवान? बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, बहुत अच्छा लगा। मैं क्या कहना चाहेंगे दर्शकों? यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगा, मतलब यहाँ के लोग सब कुछ बहुत अच्छा है, यहाँ पे सब कुछ हमें बहुत पसंद आया। अच्छा दीदी जी, आप बताइए कैसा लगा? काफी अच्छा है, लोगों का प्रेम और सम्मान सबका मिला, दर्शन भी अच्छे से हुए, आसपास की जो चीजें हैं वो भी हमने घूमी, खाना पीना भी ठीक है, दिल्ली में जो खाते हैं उसमें तेल मसाला ज्यादा होता है, यहाँ सिंपल खाना है, अच्छा है।